एक भटकता हुआ जिन। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक छोटे से गांव पटेरा में आत्माराम का परिवार कई पीढ़ियों से रह रहा था। हालांकि आत्माराम की अब उम्र काफी हो चली है और उनका व्यापार उनके दोनों बेटे सुनील और अनिल संभालते हैं। आत्माराम तो बस बड़े बेटे सुनील के बच्चों को किस्से कहानियां सुनाते रहते हैं। इन्हीं किस्से कहानियों में अक्सर उनके आंगन में लगे पीपल के एक बड़े पेड़ का भी जिक्र हो जाया करता है। जैसे कि एक बार पूरे गांव में बड़ा भयंकर तूफान आया, कई पेड़ तो जड़ से उखड़ गए, मगर इस पीपल के पेड़ का एक पत्ता तक नहीं गिरा। एक बार तो एक कार लहराते हुए उनके घर में घुसने ही वाली थी, लेकिन अचानक पीपल के पेड़ से टकराकर रुक गई और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर ऐसे ही कहानी सुनाते सुनाते आत्माराम की सांसें थम गईं। वक्त बीतता गया, सुनील ने व्यापार में कुछ तरक्की की और ऐसे ही एक दिन सुनील के साथ छोटे भाई अनिल और बाकी परिवार का मन एक कार खरीदने का हो गया। बस फिर क्या था, दूसरे दिन एक बड़ी सी कार घर में आ गई। कार के साथ एक नई समस्या भी आ गई थी, बीच में पीपल का पेड़ आता था, इसलिए कार आंगन में आ नहीं पाती थी और घर के बाहर रास्ते में खड़ी करने पर गली और ज्यादा संकरी हो जाती थी, जिससे आते जाते लोगों को तकलीफ होती थी। इसकी वजह से कई बार सुनील का छोटा मोटा झगड़ा राहगीरों से हो जाता था। लेकिन एक दिन गली से एक ट्रैक्टर निकल रहा था और कार को बचाने की काफी कोशिशों के बावजूद भी वो ट्रैक्टर सुनील की कार से साइड से टकरा गया और सुनील की नई कार साइड से बुरी तरह से रगड़ गई। बात छोटी मोटी बहस से शुरू हुई थी और झगड़ा बढ़ते बढ़ते थाने तक पहुंच गया। इसके बाद सुनील ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब मैं पीपल का पेड़ ही कटवा दूंगा ताकि आंगन में सुरक्षित रूप से कार पार्क हो सके। हालांकि सुनील के फैसले का घर में सभी ने विरोध किया, लेकिन सुनील की मनमानी के आगे किसी की एक ना चली और आखिरकार बूढ़े पीपल के पेड़ पर दनादन कुल्हाड़ी के वार शुरू हो गए। पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग जीवनलाल जी, जिन्हें सुनील चाचा कहा करता था, वो कहने लगे, बेटा सुनील, इस पीपल के पेड़ को मत कटवाओ। मेरे दादा परदादा भी इस पेड़ की कहानियां सुनाया करते थे। मगर सुनील ने उनका कहना नहीं माना और धीरे धीरे पीपल का पेड़ पूरी तरह से कट छट गया। जिस जगह पर पीपल का पेड़ लगा था, अब उस जगह पर सीमेंट से जमीन पक्की करवाकर और एक शेड लगवाकर सुनील ने कार पार्किंग बनवा दी थी। इस घटना के बाद सुनील को अचानक चलते व्यापार में घाटा होने लगा। हालांकि उसने सोचा, फायदा नुकसान तो व्यापार में लगा ही रहता है, फिर भी वह तनावग्रस्त रहने लगा। एक दिन जब सब सो रहे थे, रात के सन्नाटे में कुछ अजीब सी आवाज आंगन से आने लगी। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो महसूस हुआ जैसे कुल्हाड़ी के वार की आवाज हो और साथ में किसी के रोने की आवाज भी। उसने दरवाजे खोले तो आवाजें तो गायब थीं, मगर उसे ऐसा लगा जैसे पीपल के पेड़ पर कोई बहुत बड़े आकार का काला सा व्यक्ति बैठ के हवा में अपने हाथ पैर हिला रहा हो। एक पल के लिए तो सुनील डर के मारे कांप गया, फिर उसे लगा कि वो शायद उसका वहम है। फिर भी वो नहीं भूल पा रहा था कि उसने कुल्हाड़ी के वार और रोने चीखने की आवाजें साफ साफ सुनी थीं। सुबह सुनील ने यूं ही जानने के लिए घर के बाकी सदस्यों से पूछा कि क्या किसी ने कोई आवाज सुनी, मगर सबने यही कहा कि उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी। अब सुनील का डर थोड़ा और बढ़ गया। कुछ देर बाद वो दुकान पर चला गया और ये बात भी उसके लिए रात गई बात गई जैसी हो गई। इस घटना के तीन दिन बाद सुबह सुबह सबको आंगन में पीपल के सूखे पत्ते दिखे। घर के लोग थोड़ा सहम तो गए,
मगर सबने यही सोचा कि शायद हो सकता है रात को कहीं से उड़कर ये पीपल के पत्ते आ गए हों। उसी दिन रात को जब सब लोग सो रहे थे, अचानक आंगन की तरफ से बहुत जोरदार आवाज हुई। सुनील की नींद कुछ यूं खुल गई मानो जैसे सिर्फ उसी ने वो आवाज सुनी हो। उसने दरवाजे खोले तो देखा सामने कार गैराज के शेड पर पीपल का पेड़ गिरा हुआ था और उस पर वही बड़ा सा काला साया बैठा हुआ नजर आ रहा था। ये मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। सुनील ने शोर मचाते हुए सबको ये मंजर दिखाने के लिए उठा दिया, मगर कार के ऊपर अब ना तो कोई पेड़ गिरा हुआ था और ना ही कोई काला साया नजर आ रहा था। हां, शेड और कार की छत पर जरूर काफी टूट फूट हो गई थी, लेकिन सुनील को छोड़कर किसी की भी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। रोज की तरह अगली सुबह सुनील दुकान चला गया। दिन में उसने कार कंपनी में बात की और ये तय हुआ कि वो शाम को अपनी कार डेंटिंग पेंटिंग के लिए सर्विस सेंटर में छोड़ देगा। शाम को बड़ी मुश्किल से गैराज में फंसी कार सुनील ने निकाली और सर्विस सेंटर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने मूड चेंज करने के लिए म्यूजिक प्लेयर ऑन किया। एक दो मिनट गाना बजने के बाद अचानक म्यूजिक प्लेयर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। तुमने पीपल का पेड़ में ही काटा, मेरा घर उजाड़ दिया है, एक जिन का घर तुमने तहस नहस कर दिया है, अब तुम नहीं बचोगे। ये सुनकर सुनील डर के मारे पसीना पसीना हो गया। इसके बाद अचानक कार के बोनट पर पीपल के पेड़ वाला वही काला सा साया नजर आया। उसके दोनों हाथ साइड की विंडो से सुनील का गला दबाने लगे। सुनील छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, गाड़ी लहराते हुए बिजली के खंभे से टकरा गई। सबको यही लगा कि सुनील की मौत एक्सीडेंट से हुई है, जबकि सच यह था कि सुनील की मौत एक्सीडेंट से कुछ पल पहले ही गला घुटने से हो गई थी। इस हादसे के एक माह बाद सुनील के भाई अनिल को सपना आया कि तुम्हारे भाई सुनील ने पीपल का पेड़ काट के मेरा घर उजाड़ दिया, इसलिए वो मर गया। ये जिन का घर था, ये मेरा घर था। जाओ कल सुबह गैराज खोल कर देखना, जहां मेरा घर वो पीपल का पेड़ था, वहां सीमेंट को फाड़ते हुए फिर कुछ हरी भरी पत्तियां आ गई हैं। गैराज हटा दो, मुझे खुली हवा में सांस लेने दो, मैं फिर उस पेड़ में रहने लगूंगा, तुम्हारा या किसी का भी कुछ बुरा नहीं करूंगा। अनिल ने दूसरे दिन ऐसा ही किया। देखते ही देखते वो पीपल का पेड़ फिर लहलहाने लगा। हाँ, ये जरूर था कि सबने आज तक इतनी तेजी से बढ़ता हुआ कोई भी पीपल का पेड़ कभी नहीं देखा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चले मिलते हैं ऐसे ही किसी कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।